मस्त फाइनली तन्वी का एडमिशन हो गया. अरे मुझे क्या होणारच होतं. जो काम ईश्वर का वरदान समझकर हम लोग हाथ में लेते हैं ना, उस काम में स्वयं ईश्वर हमारी मदद करता है. बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे समान होते हैं. किसी की धन दौलत से कोई बेहतर नहीं हो जाता, और कोई गरीब है तो कोई कमतर नहीं हो जाता. अब सभी लोग टैलेंटेड बच्चों को एडमिशन देंगे, चाहे वो टेम्पो वाले की बेटी हो या करोड़पति का बेटा. एवरीथिंग ऑन मेरिट. गुड मॉर्निंग गोकुलधाम. अरे माँ को ही फोन कर दीजिए. और माँ का ही फोन आ गया. ओ माँ, माँ तू 100 नहीं 2000 साल जिएगी माँ. अरे मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी. ओ कैसी है तू, और सुंदर हीरा कैसा है? हाँ मैं एकदम मजे में. हाँ तुम्हारे जमाई का राज में जलसा ही है. जमाई राज अभी बाहर के रूम में है, पता नहीं कब से कुछ ढूंढ रहे हैं. ओ, इस घर में एक चीज नहीं मिलती. कहाँ गया वो भानु भजिया वाले का कार्ड? अटक भजिया वाले है लेकिन काम इलेक्ट्रिक का करता है. बोलो ये देखो, ये क्या दवाई का बिल, वो भी 2008 का. ये अभी तक डोर में क्या कर रहा है? और ये देखो, टप्पू कॉलेज में आ गया लेकिन उसके पेंसिल रबर अभी भी यहाँ डोर में बैठे बैठे घर घर खेल रहे हैं. कितना कचरा जमा किया है दया ने इसमें. सवेरे सवेरे कहाँ यह सुंदर की फोटो दिखी. क्या दया का भी आजकल काम में ध्यान ही नहीं है, बस सारा दिन अपनी माँ के साथ फोन पे बात करती रहती है और खाका खिकी करती रहती है. अरे दया, एक तो मुझे दुकान जाने में देर हो रही है और वो कार्ड मिल ही नहीं रहा है. बोले टपकू पापा, क्या हुआ? अरे क्या क्या है, ये सब क्या है? क्या 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 है? अरे घर के काम में तेरा आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं है ना, एक काम की जीत नहीं मिलती. तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पुरानी 1000 की नोट. पुरानी 1000 की नोट कहाँ है? मेरे सामने. माँ ने आपको नया नाम रखा है, पुरानी 1000 की नोट. दया, सासू माँ को भी बोल देना आगे से भी ऐसा फालतू मेरा कोई भी नया नाम रखा है ना, तो मैं भी अभी उनके ऐसे फालतू नया नाम रखना चालू कर दूंगा. फिर पता चलेगा कितना बुरा लगता है. और ये क्या है दया, ये क्या है? तेरी साड़ी के फॉल का बिल, वो भी 2010 का. मेरा डोर में क्या कर रहा है? एक कार में सब जमा करके रखी है, फालतू का कचरा सब. टप्पू के पापा, ये सब क्या है? अरे क्या है क्या, सब कचरा है. और ये सब कचरा इसमें था. एक कार की सब पुरानी पुरानी चीजें जमा करके रखी है. ये देख, ये क्या है? बिजली का बिल 2009 का. क्यों इसमें रखा है संभाल क्या? अरे टप्पू के पापा रुकिए जरा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कचरा मत कीजिए. अरे बाद में एक थैली में भर के कचरा टोपली में डाल देना भाई. वाह, कचरा करे तू और कचरा पेटी में कचरा डालने जाए बहू. नहीं नहीं, मैं कचरा नहीं कर रहा हूँ बापू जी. वो क्या है, एक वो काम का एक कार्ड था, वो भानु भाई भजिया वाले का, वो मैं ढूंढ रहा था तो वो तो मिला नहीं. लेकिन ये सब बेकार की चीजें इसमें जमा करके रखी है दया ने, तो सब साफ सफाई कर दी बापू जी. तो तू कब बताएगी मुझे? क्या कार्ड तूने मेरी पॉकेट में रख दिया है? अरे पर
बाबू के पापा आप मुझे जो भी काम सौंपते हैं वो मैं हमेशा करती ही हूँ ना। हाँ बराबर है ना, तूने बहू को काम सौंपा तो बहू ने वो काम किया है कि नहीं वो पूछने की जिम्मेदारी तो तेरी है ना। एक तो दुकान के टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकल दे है। मेरी गलती नहीं होती तो भी मुझे डांटते रहते हैं। जेठिया बहू से माफी मांग। अरे देख क्या रहा है, माफी मांग। नहीं नहीं बापूजी रहने दीजिए ना, एक कारण के लिए क्या माफी मंगवानी। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे क्या दुकान जा रहा हूँ, मैंने कहा ना बहू से माफी मांग, बहू घर की लक्ष्मी है, माफी मांग उससे। सॉरी दया, मांग ली माफी, अभी जाऊं। अरे क्या जाऊं, दुकान जाने से पहले ये सब कचरा साफ करके जा। नहीं नहीं बापूजी, मैं भर लूंगी ना कचरा। नहीं नहीं बहू, तू क्यों करेगी। अरे जिसने कचरा किया है वही साफ करेगा। बहू तू जेठिया को एक थैली दे। हाँ जी जी बापूजी। खड़ा क्या है, फटाफट ये सब साफ कर और बराबर साफ करना, एक भी कचरा रहना नहीं चाहिए। दया भाभी, जेठा भाई, जेठा भाई क्या बात है, आप सफाई कर रहे हैं। हाउ स्वीट, आप दया भाभी की कितनी हेल्प करते हैं। और एक आपके दोस्त है, पेन से लेके पानी तक खुद नहीं लेते, सब कुछ मुझसे मांगते रहते हैं। दया भाभी और सो लकी। अंजलि बेटा, ये जेठिया भी महतूस जैसा ही है, वो भी खुद से पानी का एक ग्लास भी नहीं लेता। ये तो ये सब जो ये कर रहा था ना, ये उसकी सजा थी। सजा थी मतलब? मतलब अंजलि भाभी, वो क्या है कि ये जो सारा कचरा था ना, वो टप्पू के पापा ने किया था, तो ये सारा कचरा उठाकर थैली में डालने की सजा बापूजी ने टप्पू के पापा को दी थी। ओ ये बात है। अब वैसे अंजलि भाभी, आप सुबह सुबह हमारे यहाँ? अरे हाँ, वो जोधपुर से घर पे मेहमान आए थे, तो जोधपुर की एकदम स्पेशल मिठाई मक्खन वड़ा, जो शुद्ध देसी घी में बनती है, वो भी लेके आए थे। तो मैं ये पूरा मिठाई का डब्बा खास जेठा भाई के लिए लाई हूँ। ये खास मक्खन वड़ा, शुद्ध देसी घी की मिठाई आपके लिए। वाह वाह वाह, मेहता साहब ने खाए कि नहीं है वड़े? नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं उनको एक छोटा सा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवा रही हूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। अरे बेचारे, वैसे है कि निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं नहीं, वो तो सुबह 8 बजे से ऑफिस चले गए, आज जल्दी जाना था। चलो जैसा उनका नसीब, उनका नसीब में नहीं है लेकिन मेरे नसीब में तो है, मैं तो खाऊंगा। हाँ खा खा, और वजन बढ़ा। हाँ नहीं ठीक है, लेने देता हूँ, बराबर इससे बहुत वजन बढ़ जाता है। खा ले खा ले। नहीं नहीं आप बराबर बोल रहे हो, ये बहुत वो घी होता है ना, वजन बहुत बढ़ जाएगा। नहीं नहीं रहना ठीक है। ए रिसामणी खा ले लीजिए। हाँ दया भाभी, पूरा बॉक्स आपके लिए। थैंक यू। कैसी है मिठाई जेठा भाई? जबरदस्त अंजलि भाभी, मजा आ गया। वाह वाह, जोधपुर की स्पेशलिटी है। वाह मजा आ गया अंजलि भाभी, बहुत जबरदस्त है, बढ़िया बढ़िया। ये दे, ये ले, मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। टप्पू की पापा, एक काम करेंगे, आप बाहर ही जा रहे हैं ना, तो वो नाके पर एक बड़ी सी कचरा टोपली है ना, आप उसमें ये कचरा फेंक देंगे। क्यों, सोसाइटी की कचरा पट्टी में क्यों नहीं?
वो क्या है वो सफाई वाली मालती बहन है ना, वो बीमार है ना इसलिए। मालती बहन बीमार है? हाँ चाचा जी, पिछले 3 दिन से बीमार है। तो सब लोग कचरा कहाँ डालते हैं? बापूजी वो नाके की सबसे बड़ी कचरा टोपली है ना, उसमें सब लोग कचरा डालते हैं। हाँ पर अब तो वहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। क्यों? साफ सफाई वाले सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस बार प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कर्मचारियों की कंपनी के साथ लड़ाई चल रही है, इसलिए साफ सफाई के सारे कर्मचारी हड़ताल पे उतर चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चाचा मैं निकलता हूँ, तो तू आते जाते जरा कचरा टोपली में डाल देना। हाँ? क्यों भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं यहीं से रिक्शा में बैठ जाऊंगा ना बापूजी, तो कहाँ नाके पे रिक्शा रोकू उतरू फिर ये कचरा वो कचरा टोपली में डालू। दया क्या दिन में 10 बार कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर जाती रहती है, तो ये कचरा डाल देगी कचरा टोपली में, है ना? हाँ, कोई बात नहीं बापूजी, मैं डाल दूंगी कचरा। दुकान जाते जाते ये कचरा कचरा पेटी में तू डालते जाएगा। ठीक, चलो जय जयनंद्र। जय जयनंद्र। जय जयनंद्र। जय जयनंद्र। बाय जेठा भाई। ओ जेठालाल, अरे ऊपर देखकर चलो, ऐसा थैले में देखकर चलोगे तो ठोकर लग जाएगा, मुंह के बल पे गिर पड़ोगे। जेठालाल, मैं तो ऐसा थैले में गुर गुर के क्या देख रहा था, 500,000 का पुराना नोट है क्या? अरे अय्यर भाई, अच्छा हुआ मिल गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा क्यों? अरे क्या हुआ, कल दुकान में आपके जैसे ही एक साइनिस्ट खरीदी करने आए थे, तो जाते जाते एक को देखे गए। अबे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो मैंने सोचा आप भी साइनिस्ट है, शायद आपको काम में आ जाए। क्या है इसमें? एक मिनट अय्यर भाई। हा? रिक्शा रिक्शा खाली है। हाँ। जाने लाल, वो थैले में क्या है वो तो बताओ। हाँ ये लो, आप खुद खोल के देख लो, पसंद आया तो रख लेना गिफ्ट मेरी तरफ से। ओ थैंक यू जाने लाल, थैंक यू सो मच। भगो 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 भगो। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आदि कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए। बस ठीक है। डॉक्टर आदि ये मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे को दी है, देखो आपके कुछ काम आए तो। अरे वाह क्या बात है। अरे अय्यर भाई रुकिए रुकिए, उसमें तो कचरा है। हाँ तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कचरा बाहर डाल देना। अरे मैं क्यों डालूंगा बाहर कचरा, गलत बात कर रहे हैं आप तो। देखिए डॉक्टर रतीब, एक्चुअली ये कचरा मेरा भी नहीं है, जयडलाल का है, और मैं कचरा डाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि सर्कल के लेफ्ट साइड में डस्टबिन है ना, और मेरे को राइट साइड में जाना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, आप डाल दीजिए। बेटा बेटा नीचे आ। अरे क्या हुआ पोपटलाल? बताता हूँ भाई, एक मिनट रुको सर, आगे पोपट भाऊजींचा आवाज है ना? मला काय झालं? बिडा! अरे आलो रे बिडा! क्या हुआ पोपटलाल, क्या हुआ? तू नीचे आ, तुझे सब बताता हूँ। अरे तुझे क्या, पूरी सोसाइटी को दिखाता हूँ। तो बताओ क्या बात है, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है? ओ भाई वो सबको पता है कि तुझे वहां से सुनाई देता है, तू फटाफट नीचे आ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना मैं सोसाइटी हिला दूंगा। अरे अरे क्या झालं काय? मैं क्यों आऊं नीचे? हाँ ऐसे कोई भी बुलाएगा मैं नीचे आ जाऊंगा क्या? कोई भी बुलाएगा से क्या मतलब है तेरा? सोसाइटी का माननीय मेंबर। अरे मेंबर क्या, कमिटी मेंबर, अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाए तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है नीचे आने की। ओ भाई ओ, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे तो नीचे आ जाऊंगा, तुम्हें जो भी बोलना है वहीं से बोलो, मैं नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। अतुड़ी के मत बताओ, चल। ओ भिड़े, ये मत सोचना कि मैं चला जाऊंगा,
जब तक तुम नीचे नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहीं बैठ के आंदोलन करूंगा और तुम्हें आवाज लगाते रहूंगा। भिड़े 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 भिड़े। अरे भाई पोपटलाल शांत हो जा, और भिड़े मास्टर तुम भी नीचे आके सुन लो ना पोपटलाल क्या कहना चाहता है। अरे हाँ द्वारा नीचे आ जाओ, तुम तो समझदार हो। वो भाई तुम तो समझदार से क्या मतलब है? मैं समझदार नहीं हूँ? अरे आपको पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है तो अभी मेरे साथ बैठ के आंदोलन करोगे। पवड़लाल देखो मेरे को ऑफिस में जाना, ये आंदोलन मांदोलन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट भाई आपसे बाद में निपटता हूँ। भाभी जेठालाल कहाँ? वो तो दुकान पर गए हैं। तो आप नीचे आ जाइए। रोशन भाभी सोड़ी कहाँ? पोपट भाई रोशन तो सुबह सुबह कार की अर्जेंट डिलीवरी करने चला गया है। ठीक है आप नीचे आ जाइए। हाँ हाँ अभी आते हैं। भिड़े भिड़े भिड़े। पोपट भाई क्या हुआ? पोपट भाई मेहता साहब कहाँ? सुबह 8 बजे ऑफिस के काम के लिए घर से निकल गए। भिड़े 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 भिड़े। ये शांत हो जा भाई, आ गया मैं। हाँ क्या बताओ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। पोपट भाऊ जी शांति से बताइए ना क्या हुआ। मुझे नहीं पता भाई, इसे तो पूछ रहा हूँ। नहीं भाई तुम कुछ पूछो भी मत, तुमने पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। आहो आज क्या किया आपने अभी? आज का क्या मतलब है, मैं रोज कुछ करता हूँ? नहीं नहीं एक मिनट पोपट भाई देखिए अब तो भिड़े भाई भी आ गए, अब तो बता दीजिए कि बात है क्या। हाँ पोपट भाई अब इतने धुआं पुआं क्यों हुआ? धुआं पुआं? दया भाभी मैंने तो दूध पुआं सुना था। अरे धुआं पुआं मतलब कि आप इतने गुस्से में क्यों हो, आप इतने आक्रामक क्यों हो, आप इतने परेशान क्यों हो पोपट भाई? बताता हूँ भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर? हाँ तो? इस सोसाइटी की सारी जिम्मेदारी तेरी है बराबर? हाँ तो? अरे तो क्या, पिछले 3 दिन से सोसाइटी की सफाई कर्मचारी मालती बहन आई नहीं है। चलो एक दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, और तीसरे दिन भी वो नहीं आई है, तो तूने इसके लिए क्या किया? अरे भाई पता है मुझे, लेकिन वो बीमार है। आत्माराम का बात सही है। अरे क्या सही है, मालती बहन बीमार है, तुम तो बीमार नहीं हो ना। अरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों की परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ, सबका बराबर ध्यान रखता हूँ पोपटलाल, रखता हूँ ना भाई। अरे क्या, हाँ क्या रखता हूँ, सोसाइटी में जो है इतना सारा कचरा जमा हो गया उसका क्या, तो इसमें मैं क्या करूँ? सही बात है भाई, इसमें भिड़े मास्टर क्या कर सकता है। अरे आती है भाई, मालती बहन बीमार है तो किसी और को थोड़े दिन के लिए नहीं ढूंढ सकता। ये भी सही बात है। आती भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाता है, तुम्हें एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रही? इतने साल से अपनी जो लड़की ढूंढ रहे हो मिली? कैसे मिलेगी, जिस सोसाइटी में इतनी गंदगी हो वहां पर कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? देखो 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 कितना कचरा है, हालत देखिए सोसाइटी की। जरा सोचो अभी लड़की वाले अगर आ गए तो मेरा रिश्ता तो होने से पहले टूट जाएगा। पोपट बहुजी ये काय बोलता है, क्या संबंध है का? नहीं तो का है। लीजिए अब सोसाइटी में पोपटलाल और भिड़े का झगड़ा शुरू हो गया है, 3 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आई है इसलिए इस बार झगड़े का कारण है कचरा। पोपटलाल को डर ये है कि भाई कहीं लड़की वाले उसे देखने आए और ऐसी अस्वच्छ सोसाइटी देख के कहीं रिश्ते से इनकार न कर। अब देखना यह है कि एक मेव सेक्रेटरी भिड़े और पोपटलाल का झगड़ा क्या रूप लेता है। आप तो जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में आए दिन कोई ना कोई हंगामा होते ही रहता है, अब देखना यह है कि ये नया हंगामा हमें किस राह पे ले जाता है। हंगामे का कारण है कचरा। अब कचरे की ये जो ज्वाला है वो भड़कती है या चिंगारी बन के रह जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इन दोनों का झगड़ा जो भी रूप ले आपके घरों में हंसी एक नए रूप में खिलखिला उठेगी जब आप देखेंगे। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? फिलहाल तो इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। देखा देखा पोपटलाल, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या चाचा जी आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक
इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है? उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा।